सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी पर हमला करते हुए कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। उनके इस बयान पर पूर्व आईपीएस और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपका चुनाव चिन्ह LMG होना चाहिए, यही LMG मुख्तार बीजेपी MLA की हत्या के लिए लाया था। आपको बता दें, पूर्व IPS ब्रिजलाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल की जगह LMG होना चाहिए, जो बिल्कुल उपयुक्त है। अखिलेश यादव जी, यही LMG मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मंगवाई थी, जो जनवरी 2004 में STF ने पकड़ी थी। आपके पिता श्री ने पोटा से मुख्तार को बचा लिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुख्तार के गनर मुन्नर यादव और फोर्स से चुरा कर LMG लाने वाले उसके भांजे बाबूलाल यादव को 10-10 साल की सजा हो गई। मुख्तार पर कार्रवाई नहीं हुई और कृष्णानंद राय की दिसंबर 2005 में आपकी सरकार में हत्या करा दी गई। पूर्व IPS के इस ट्वीट पर तमाम यूजर ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। आपको बता दें, एक यूजर ने लिखा है कि इसे LMG के पकड़े जाने की बौखलाहट में अखिलेश यादव के पिताजी ने DSP शैलेंद्र सिंह को फर्जी केसों में फंसाकर उनके जीवन के अमूल्य 17 वर्ष बर्बाद कर दिए। इसी के चलते एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा है कि LMG के पकड़े जाने की बौखलाहट में अखिलेश यादव के पिताजी ने DSP शैलेंद्र सिंह को फर्जी केसों में फंसाकर उनके जीवन के अमूल्य 17 वर्ष को बर्बाद कर दिया। उनका बस चलता तो इसे LMG से शैलेंद्र सिंह की हत्या भी करवा देते। वैसे भी हत्या और लूट में समाजवादी पार्टी का कोई सानी नहीं है। एक ट्विटर यूजर ने पूर्व IPS पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर ऐसा था तो आपने क्यों उस वक्त आवाज उठानी नहीं चाहिए? उस वक्त तो आप पुलिस विभाग के आला अधिकारी थे, यह पद के लालच में आपने कोई आवाज नहीं उठाई। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान पर UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह AK-47 कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।